सफाई तो हुई ना अभी तक तो, खैर कभी कोई साफ सफाई नहीं होती है। झाड़ू तो 5 साल में एक बार भी लगता है हम तो, यानी बनाने के बजाय ये बिगाड़ के चले गए। ये रहा ना, बाहर बाहर से उठाते, अंदर का कोई नहीं उठाते, सके बीच में गली में नहीं आते। नहीं, नमस्कार आदाब, हाजिर हूं मैं फिर एक बार जानने पब्लिक का मूड। हम पहुंचे हैं मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी वार्ड नंबर 185 में और जानेंगे क्या है पब्लिक का मूड, क्योंकि कुछ ही समय बचा है जब वोटिंग शुरू होगी 4 दिसंबर को। जब वोटिंग होगी तो क्या नतीजे आएंगे, ये तो 7 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है पब्लिक का मूड। दिल्ली को क्वेटा बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ और हैं। ये इलाका भी दिल्ली में ही लगता है। मुख्यमंत्री जी ने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन ये इलाका उनके वादों से अछूता रह गया। शिकायतें बहुत हैं, सड़क नालों में तब्दील है और नाले कहाँ हैं पता ही नहीं है, पूरे इलाके में नाला ही बना। ये रोड आप देखेंगे, ये नीचे उतरता हुआ रोड है, ये सड़क है, अमूमन ये पैदल चलने के लिए है, लेकिन पूरा नाला भरा हुआ है और ये पूरी तरीके से सड़क पर इसका पानी है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नाले का हालत यह है कि इधर डीडीए का पार्क है, पार्क की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। एमसीडी की तरफ से जो यहाँ पे काम होता है उसके लिए नाराज़गी इन लोगों की इस बात को लेकर है, ना तो कूड़ा उठता है ना कुछ करता है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा, क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? बदलाव होगा जब भी कोई काम करेगा, जब भी वोट देगा लोग, बदलाव करते नहीं है। गली में घूम के जाके देखो, कूड़ा उठता है यहाँ पे, सफाई होती नहीं उठता, देखो ना गंदगी पड़ा है। पार्षद से कभी कहा नहीं आप लोगों? बहुत कहता है और ऊपर से बदनाम करता है। एक कप गिर जाता है चाय के दुकान पर तो उसके लिए कहेगा तुम्हारे दुकान में कूड़ा उठा के डाल दूंगा, कूड़ा वाला बोलता है। हाँ, अच्छा। उठाने नहीं आता कोई यहाँ पे? आता है, 4 दिन में 1 बार आता है। हाँ, हफ्ता में 1 दिन आता है। क्या अभी क्या कहाँ पे वो है? ये रहा ना, बाहर बाहर से उठाते, अंदर का कोई नहीं उठाते, सके बीच में गली में नहीं आते। नहीं, बाहर बाहर से मेन रोड पे चले जाते हैं। हाँ, हमारे बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं पड़ता है, बाकी आप रोड पर बस चले जाते हैं, बाकी गली में कोई नहीं जाता है, जाके गली का हालत देखिए। पार्षद साहब क्या कहते थे यहाँ पे? क्या चीज़? पार्षद साहब क्या कहते हैं? अब पता नहीं भाई, मैं तो किसी से उतना कहने नहीं जाता कि कौन क्या कहता है क्या नहीं, हम अपने हाथ से खुद ही करते हैं अपना काम। आइए देखते हैं एक बार गलियों के हाथ। शिकायत इस बात को है कि मेन रोड पे जो कूड़ा होता है वो तो उठा लिया जाता है, लेकिन जो गलियों के अंदर होता है घरों से वो कूड़ा नहीं उठाया जाता। नालियाँ पूरी तरीके से भरी हुई हैं, बजबजा रही हैं, लेकिन सफाई करने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिकायत इस बात को लेकर है, 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया पार्षद साहब को, लेकिन पार्षद साहब पूरी तरीके से नदारद रहे। लोग खासे नाराज़ इस बार दिख रहे हैं और बदलाव की पूरी आहट इस वार्ड से साफ तौर पर नज़र आ रही है। चलिए मेरे साथ देखते हैं कुछ और नज़ारे और क्या हैं हालात इस वार्ड के अंदर। 2017 से लेके 2022 तक कंसुलर हमारा काम नहीं किया, उसने काम किया नहीं। उठता है यहाँ से? वो अल्लाह ही भरोसा। अच्छा, हाँ। सफाई होती है, झाड़ू वाड़ू? आज ही नहीं, भूल जाओ। नालियाँ सड़कें साफ रहती हैं? आज ही कुछ भी नहीं है मान्यवर। क्या है? यही तो है कारनामा, यही तो है। अगर यही होते, अभी हम थोड़ी देर पहले हम बयान दिया हूँ 2 मिनट पहले कि अगर अगर ये नाली अगर फले दूरबीन के आधार पर अगर लगा ले जाता है इसको तो ये पानी रुकना ही नहीं था। पानी बनाया आँखों से, नाला बनाया आँखों से, जिसके अनुसार लेवल इसका ठीक नहीं है। जो नीचे रह गया वहाँ पानी रुका हुआ, जो जहाँ ऊंचा जगह उधर पानी पानी। ये नाला और ये सड़क है? ये नाला एक सड़क है, ये भी नाला है, वो भी नाला है, बीच में सड़क आ गया। इस नाली का लेवल ठीक नहीं है। अच्छा। ना ठीक होने से जहाँ नाला जहाँ ना, अरे सुनो सुनो यार, अब भाई तुम लोग जाओ ना, ये जानता है, इंटेलिजेंट बंदी है। हाँ, ये नाला का लेवल ठीक नहीं है। सफाई हुई है कभी? ना, आज होते नहीं है मानने पर, कभी की तो छोड़ो ना, आज ही ना, जब से बने वैसे के वैसे है, वैसे की वैसे है मानने पर। तो पार्षद ने कोई काम नहीं? ना जी, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं का। इसीलिए भाजपा वाले ने अपना सेटिंग कौंसलर को टिकट ना देकर नए कौंसलर को उसको देने पड़ा, मजबूरी ये था इनका। अच्छा, हाँ, इसी वजह से कि काम नहीं किया? हाँ, काम नहीं किया, इसीलिए उसको पता। पब्लिक का मूड तो इस वक्त, हाँ, बदलाव तो है, वो अलग पॉइंट है बदलाव का। पब्लिक का मूड ये है कि इस वक्त 4 आदमी लड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम भाषण दिया, हम विकास होने नहीं दूंगा, तुझे विकास हम करने नहीं दूंगा।
उनका दलाल और उनका नेता, इनका सोच ये है। इससे पहले का देखो क्या, हमें 2015 से पहले राशन में इतना भीड़ लग रहे थे, नहीं लग रहा था, अब क्यों लग रहे? क्यों? तो केजरीवाल का देन है, केजरीवाल का देन है। जो 2015 में जो सत्ता लाए दोबारा, उन्होंने राशन कार्ड बना दिया और राशन कार्ड बना के राशन भी भेजते रहा, राशन कभी टूटा नहीं है। वो या बस यहाँ के जनता जो है ना दलाल है, दलाल। हाँ दलाल है, दलाल तो अपनी साथ सोचेगा ना, हम काम होने दूंगा ना तुझे हम काम करने दूंगा। सो बात की एक बात है, हम लोग पढ़ने नहीं जाते तो हमारे मायने में स्कूल क्या अच्छा है या खराब है, कोई मायने नहीं जाता है। ना ना कोई अगर हम पे उपकार करते हैं, एमसीडी का कोई पार्क नहीं है। डीडिया ना प्लीज, कुछ नहीं पता तुम्हें, डीडिया अभी तक पार्क हैंड ओवर नहीं किया एमसीडी। अरे भाई सुनो बशीर भाई, डीडिया ने अभी तक हैंड ओवर पार्क नहीं किया है कि ये पता चले जी ये समाज का फैसिलिटी के लिए जगह दिया हूँ, ये ऐसे कुछ नहीं किया। ऐसे तो 10-12 पार जमीनें छोड़ा है लाभार्थी के आधार पर, और उसकी नहीं 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 नहीं, ये डीडीए की काम था, डीडीए को हैंड ओवर करना था। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का एमसीडी चुनाव में? मुद्दा तो ये है जी कि पिछले चुनाव जो उसने है, किसी कौंसलर ने काम किया ही नहीं है यहाँ पे। हाँ ये जो है इतने कौंसलर आए, कोई कौंसलर काम करके ही नहीं दिखाया। मेन तो ये है ना पार्टी ब्रेक, सुबह सुबह अब इस बार तो बदलाव है जी, काम का व्यक्ति देखे जाएगा। हाँ जो काम करेगा उसी को ही सपोर्ट करेंगे। हालात क्या है कि यहाँ से निकल नहीं सकते, और सड़क कम कूड़ेदान। आप ये मेन रास्ता है ये? मैंने 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 तो ये सड़कों पे ही रहता है कूड़ा। हाँ उठता है नहीं उठता? नहीं 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 कैसे पालतू होंगे पलेंगे यहाँ पर? यह जंगली पालने के लिए तो स्पेशल कूड़ा छोड़ रखा है, कूड़े की सफाई कभी होती ही नहीं, यहाँ पे कूड़ा पड़ा फैला रहता है। लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? बोला नहीं, बोलते रहते हैं यहाँ पर। वो तो बंदा यहीं पे दारू पीता रहता है, यहाँ के ठेकेदार वहीं खाट पे डाल के ठेकेदार दारू पिएगा देसी, और यहाँ के कर्मचारी भी दारू पियेंगे यहीं पे। हमने कितनी बार देखा है, हम बोलते हैं वहाँ पर तो कहते हैं भाई जाओ कंप्लेंट। हालात आप देख रहे हो, ये मेन सड़क है और इस मेन सड़क को ही पूरा कूड़ेदान बना दिया गया। ये सफाई के नाम पर यहाँ पर किस तरीके के वादे हैं, कितने इरादे अच्छे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए हालात यहाँ के क्या हैं। बस से बदतर हालात इस वजह से भी हैं कि यहाँ से निकलना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, कि अगर आपका ज़रा सा पैर फिसला तो आप सीधे नाली में जाके गिर सकते हैं। हालात देख लीजिए, ये मेन सड़क है और मेन सड़क पूरी कूड़ेदान बनी हुई है, तो इस कूड़ेदान की यहाँ पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सड़कों का ही कूड़ेदान बना दिया गया है। तो यहाँ आप लोग भी तो कूड़ा यहीं फेंकते हैं यार, ये लोग फिर कैसे सफाई कैसे होगी? आगे खत्तेदार ना उसमें फेंकते, लोग मानते नहीं, पानी अब यहाँ पे जमा पड़ा हुआ आगे कैसे जाएंगे? जाहिर सी बात है जब पानी भरा हुआ है सड़कों पे तो आगे कैसे जाएंगे? तो ये सड़क है पूरी आप देख रहे हैं, ये अगर वृद्ध महिला यहाँ पे ज़रा सा स्लिप हो जाए तो सीधे पानी में गिरेंगी। तो हालात किस तरीके के हैं ये देखिए, ये डीडीए का पार्क है और पार्क की हालात क्या है वो भी आप देख लीजिए। रख रखाव के अभाव से पूरी तरीके से कूड़े कचड़े में पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी भी तरीके से ये सब किसने बनाया ये? तो यहाँ पे किसी ने मतलब काम नहीं, किसी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ के सब आम लोगों ने ही करा है, यहाँ के लोगों ने खुद ही पेड़ पौधे लगाए, साफ सफाई करवाए, कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। एक साल तक कोई काम नहीं है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, यही के लोगों ने लगवाया। और ये पेड़ पौधे लगाए ना, ये पार्क हम लोगों ने लगाए खुद। अच्छा, ये घेर के हमने इतना बंद कर दिया ताकि इनमें पेड़ पौधे लग सके, थोड़े बैठ सके, बच्चे खेल सके। बाकी पार्क आप देख लो, झाड़ू तो 5 साल में एक बार भी नहीं लगता है, हम तो हाँ नहीं लगता बिल्कुल भी झाड़ू। ये तो हमने इतना बंद करवा के इनमें पेड़ पौधे यहीं के लोगों ने तो एक एक पौधे ला ला के लगवा के इनको बंद करके ताकि थोड़ा सही हो जाए। पानी भी किस कैसे दिया है? पानी भी हमने इन मोटरों से लेके पाइप डाल के जब पानी दिया है। तो डीडीएस का रख रखाव नहीं करती है पार्षद वगैरह तरफ से? एमसीडी का कोई पार्क है यहाँ पे? एमसीडी के पार्क सारे डीडीए का पार्क? हाँ डीडीए का पार्क है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखने वाला नहीं है। तो हालात इस तरीके के हैं यहाँ पर कि लोगों ने खुद पार्क को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश की है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे थोड़ी सी साफ सफाई हो। आगे से ये बंद किया गया है कि इसमें कोई जानवर ना आए या दूसरे जानवर यहाँ पर ना आए, और इसकी थोड़ी साफ सफाई कर सके, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अमूमन लोगों को यहाँ से चलना होता है। और ये महिलाएँ आप देख रही हैं इस वक्त धूप सेकती हुई, ये जगह इन्होंने मेंटेन की है तब जाकर यहाँ पर बैठने की थोड़ी सी स्थिति बनी है, वरना यहाँ के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और कैसे लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। उस वक्त हम पहुँच चुके हैं मदनपुर खादर जे जी कॉलोनी में। 15 साल से ज़्यादा की पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन हालात यहाँ के बद से बदतर हैं।
लोग दयनीय जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना ही सीवर है और ना ही यहाँ से कूड़ा उठता है। क्या कुछ शिकायतें हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, जानते हैं पब्लिक से ही और ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने, चाहे वो विधायक हों चाहे वो पार्षद हों, काम कितना हुआ है और क्या नहीं है, इस बार चुनाव में क्या है पब्लिक का मूड। क्या नाम है आप? अरुण पाल मेरा नाम है। अरुण, यहाँ पर पहले पार्षद जो है उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे? नहीं, उन्होंने यहाँ पे 5 साल में आज तक आके नहीं देखा है कि यहाँ की पब्लिक कितनी परेशान है। धूल मट्टी रोडों पे उड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं डेंगू से, मलेरिया से। उन्होंने आज तक आके नहीं देखा दिनेश ठाकरे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस बार क्या मूड क्या है फिर? इस बार हमारा बहुजन समाज पार्टी को जिताने का है या फिर दोबारा जो डॉक्टर लेख रहा जाए बीजेपी से उन्हें जिताने का है। अच्छा, हाँ जी। वजह उसके पीछे की? वजह आम आदमी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी। विधायक जी अपने घर बैठे हैं, वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं। एरिया में रोड का बोर्ड लगा गया, उद्घाटन करके रोड बना ही नहीं। कितने टाइम पहले किया था ये? अभी 6 महीना पहले किया था उन्होंने उद्घाटन। काम शुरू नहीं हुआ कोई भी, एक वो भी नहीं, और खराब और कर गए रोड सारे में धूल उड़ रखी है। पार्षद ने जो काम पार्षद के होते हैं, चाहे वो नाली का हो, सड़क का हो या फिर सफाई का हो, कूड़े का हो, ये हुआ या नहीं हुआ? पिछले 15 सालों में न कोई पार्षद यहाँ नज़र आया, न MLA साहब नज़र आए, किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। इवन कि एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई गई। कोई कूड़ा वगैरह उठता है यहाँ से? कूड़ा तो जब उठेगा ना, जब वहाँ के कोई कूड़ा उठाने वाला आएगा। आज तक तो कोई कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आया। नहीं, न कोई पूछने आया कि भाई आप लोग किस हालात में हैं, आप देखते होंगे कितने दयनीय स्थिति है, कोई नहीं आया। मुद्दों की अगर हम बात करें तो मेन मुद्दे यहाँ पे क्या हैं आप लोगों के पार्षद से रिलेटेड? सबसे मेन मुद्दा तो हम लोगों का सड़क है, नाली है। यहाँ पे साफ सफाई की, जैसे कूड़ा कचरा यहाँ इकट्ठा होता है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। वो तो हम देख रहे हैं सामने ही, आपके घर पे इतना बड़ा नाला है, उसकी साफ सफाई नहीं? नहीं, कभी कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ से एक अगर कोई भी लेडीज सवारी है श्रीराम चौक से यहाँ आने के लिए, किसी रिक्शे वाले को आप बोले तो रिक्शे वाला बोलता है मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि रास्ता ही सही नहीं है। तो लेडीज जो है वहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये रास्ता आप देखेंगे जहाँ से ये सामने ऑटो आता दिख रहा है, प्रचार के लिए ऑटो जरूर आ गया है, लेकिन अगर आम सवारी के लिए ऑटो आना हो तो यहाँ पे मना कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं। प्रचार का ऑटो जरूर आ रहा है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में वोट लेना है जनता से, तो उनके बीच ही ऑटो जरूर पहुँच रहा है, लेकिन रास्ते की हालत आप देखें और खुद उस ऑटो की आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से वो गड्ढों में डगमगाता हुआ चला आ रहा है। आगे बात करेंगे और मैं जी 15 में जब अमानत साहब यहाँ पे आए थे कंपेन में, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने बोला है कि हम जीते या हारे यहाँ की सड़कें हम बनवा देंगे। आज लगभग 2022 है, 7 साल हो गए। बीच में 8 महीने पहले एक उम्मीद जगी थी कि हमारे रोडें बन जाएंगे, इन्होंने शिलान्यास किया, बोर्ड लगाया और उसके बाद से ये गायब हो गए। और जो सड़कें हम लोगों ने अपने मेहनत से बड़ी मुश्किल से लोगों ने लेवल किया था, वो बैठ गया था, उसको भी खोद के और कूड़ा और धूल उड़ने लगा। यानी बनाने के बजाय ये बिगाड़ के चले गए और पूछने तक नहीं आए कि भाई दोबारा गए नहीं उसके बाद कि भैया विधायक साहब आप यहाँ पर शिलान्यास करके गए थे? क्या है कि हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, मिलते हैं, कोई टाइम नहीं देता है, वादे पे वादे हुए जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में हम लोग वादों पे जिंदा है, 7 सालों से वादे मिल रहे हैं, 7 सालों से वादों पे जिंदा। महिलाओं से जान लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन वोटर जो होती है हार्डकोर वो महिलाएं होती हैं और घर चलाना होता है, दूसरी तरह साफ सफाई की बात हो तो वो भी वो करें। आप लोग का क्या कूड़ा उड़ा उठता है यहाँ पे? हाँ जी, कूड़ा उठता है यहाँ से? नहीं, कूड़ा तो घर के सामने भी पड़ा रहता है सबका। उठाने नहीं आता कोई? कोई नहीं उठाने आता है। साफ सफाई भी नहीं होती क्योंकि हालत ही ऐसी नहीं, साफ सफाई करने भी कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। इस बार अरे कुछ मत पूछो बाबू, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई न पूछने आवे और न कोई यहाँ कोई काम धाम। 5 साल में इधर कुछ नहीं देखभाल, सब पब्लिक परेशान है हर चीज से। अब क्या करें, उसके पास जाए तो घर छोड़ के भग जाता है, कहे ही नहीं साहब। तो कहता है कि मर जाओ, कट जाओ, टूट जाओ, तब आना। हाँ, नौकर देती है उसकी। ये हालात है यहाँ के, वो चाहे पार्षद हों चाहे विधायक हों, सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पे। अम्मा कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? बेटा मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। 10 साल में कभी नाली, सड़क, पानी या फिर साफ सफाई, कूड़ेदान को कुछ काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। अच्छा, कूड़ेदान है यहाँ पे? कूड़ेदान कुछ भी नहीं है। कैसे निकलते हैं और पैर भी फट जाते हैं, पैर धो के आते हैं मट्टी में हो जाते हैं सारे। जच्चा जाती हैं, बच्चा को ले जाते हैं, चलो बच्चा पैदा होएगा तो बताओ कैसा होंगे। जच्चा भी बच्चा हो गया तो बाबू। MCDA कोई अस्पताल वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे एक बोर्ड लगा होता आम आदमी
आम आदमी क्लिनिक का, पॉलिटेक्निक का, स्कूल वगैरह कुछ है यहाँ? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, नहीं है। बोडी लगा, हम इतने परेशान हैं, हमें तो बस ये नाली और ये रोड बन जाए, हमारा तो सब कुछ है, यही हमारा कुछ नहीं है। हम मेन मुद्दा यही है, यही मुद्दा, हम बहुत परेशान है। तो इस बार क्या मूड क्या है फिर, बदलाव करना है या वही रहना है? हमारा बदलाव करना है जी, अब तो हमें बदलाव करना है बस। आपको क्या लगता है कि हमें तो बदलाव करना है जी? हाँ, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नाला भर गया है तो सारे मच्छर खाते हैं, डेंगू बन रहे हैं, बीमार है, इलाज करते करते परेशान है, कुछ देखभाल कुछ नहीं है यहाँ पर, कचरा हुआ ऐसे दरवाजे पे पड़ा रहा, कुत्ते बिल्ली सारे परेशान। ऐसी बात है, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होगी साफ सफाई की। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव क्या मूड क्या है पब्लिक का यहाँ पर फिलहाल? पब्लिक का आम आदमी पार्टी के लिए तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि विधायक साहब ने बिल्कुल कसम खा ली है। तो उसका खामियाजा पार्षद के चुनाव में भुगतना पड़ेगा? निकलेगा जी, बिल्कुल निकलेगा। और विधायक साहब से तो पब्लिक इतनी नाराज है, इतनी नाराज है कि विधायक साहब ने एक बार किसी को भी यहाँ के ये नहीं देखा है भाई, किसी को मिट्टी खा रहा है, पानी है, नाली है, कूड़े का कुछ है, हॉस्पिटल है, तो कुछ भी नहीं देखा है। लाइट वाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ? स्ट्रीट लाइट के लोग अपने खर्चे से, मैं खुद अपने खर्चे से खरीद के लाया हूँ बागरीती पैलेस से, खुद दो चार लाइटें धक्के खा खा के, किसी ने बोला कि बिजली का बिल दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, इसको दे दीजिए, उसको, तो चार जगह आधार कार्ड और बिजली का बिल दिया है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिली। लास्ट में बागरीती पैलेस से खुद अपने पैसे के, पर्सनल पैसे से चार लाइटें ला के लगाया है। नाराजगी जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, सड़कों की हालात तो आपने देख ली यहाँ पे क्या है। वकील साहब, आप बताएं कि आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, मेन मेन मुद्दे जैसे सड़क तो आपने बताया मेन मुद्दा है यहाँ पे, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, सीवर यहाँ पे नहीं पड़े हैं, सफाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठता है, ये मेन मेन मुद्दे जो आप लोगों ने यहाँ पे बताया, जो स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया, नाराज़गी किससे है? आम आदमी पार्टी से, विधायक से, पार्षद से, किससे है आपकी? नहीं जी, ऐसा है, हमें तो विधायक से नाराज़गी बहुत है, क्योंकि हमारे गलियों में खंभा नहीं है, जो विधायक के अंडर में आता है कि खंभे लग जाएं, उनके पास जाओ तो आश्वासन देते हैं और डांट के भगा भी देते हैं, डांट के भगा भी देते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं है कुछ भी, वादे पे वादे, वादे पे वादे करते रहते हैं। पार्षद ने पिछले 5 सालों में कोई काम किया है यहाँ पे? शकल नहीं दिखाया उसने, कभी शकल नहीं दिखाया। नाम क्या पार्षद के? दिनेश टाक नाम है उनका, ठीक है, और कभी भी न कूड़े के बारे में, न रोड के बारे में, न नाली के बारे में कभी भी सर्वे नहीं किया अगले ने, शकल तो दिखाया नहीं, हमारे कॉलोनी में जानते ही नहीं है कि टेकचंद है कौन, दिनेश टोक है कौन, समझ रहे, कभी भी नहीं दिखाया उसने, कभी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी विडम्बना है कि एक ही इलाका है और पीछे अगर जे कॉलोनी, जो आपको बता दूं जो नेहरू प्लेस की झुग्गियाँ थी, जो दूसरे गोविंदपुरी की झुग्गियाँ थी, उनको उठाकर यहाँ बसाया गया था, हालांकि वो 12 गज 25 गज के जो मकान दिए गए थे, अलॉट किए गए थे झुग्गियों के टाइप में, वहाँ पर नालियाँ सड़कें तो ज़रूर बनी हैं, लेकिन उसके आगे का जो एरिया है, जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये ज़मीन, ये जो देख रहे हैं, ये रोड है, मेन रोड आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मेन रोड है, ये 66 फुट का रोड पास हुआ हुआ है, 10 साल से ज़्यादा का टाइम हुआ, लेकिन आज तक ये नहीं है, और नाला ऐसे का ऐसे ही बह रहा है, ये भी दूसरी तरफ, ये क्या जी? और देखो जी, जी पंडित ने जो एमसी दीवारा बिक गया, जाने हमको जी नाले में दीवारें घुसवा दे, प्लॉट कटवाया जा रहा हुआ है। अच्छा, हाँ, जो ये सरकारी जमीन है? हाँ सरकारी है, ये 33 फुट का रोड उधर है, 33 फुट इधर है। अच्छा। और बाने हमको सड़क ना छोड़ी, जहाँ प्लॉट कटवा जा रहा हुआ है 50,000 रुपया गज के, और तुम इसको बहुत पंडित को कार्रवाई करा एमसीडी वाले को, हमें ये आप देखेंगे, ये जो जगह है ये सरकारी रोड है, जहाँ पर ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया और इसको घेर दिया गया, ये सड़क का जो बाउंड्री आप सामने देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री है सरकारी, इसके पीछे एनटीपीसी की जगह है और वो पार्क वहां पे डेवलप हो रहा है, यहां पे ये 66 फिट का रोड है, लेकिन इस रोड के नाम पर ये पूरा कब्जा यहां पर किया गया, जो स्थानीय लोगों का कहना है यहां पे। और क्या क्या दिक्कतें हैं यहां पर, किसी क्या दिक्कतें काफ़ी है हमारे क्षेत्र का, अमानतुल्ला साहब ने 5 साल रहे 7 साल रहे, अब तक एक बार भी उन्होंने नहीं आए, 200-250 रुपए का ट्रक की मलबा तक नहीं घेरे, और 4 बार हमने इनको बुलाया, काजू पिस्ता झूठा करके गए, मगर इनके आंखों में ज़रा सा भी मोहब्बत का फिजा नहीं है, एक जरा सा भी काम इन्होंने नहीं करा है, और जाते हैं तो इस तरह का भगा देते, कह रहा है कि मेरे नक्शे में नहीं है। फिर मैंने अरविंद केजरीवाल के पास में फैल लगाया अपनी मक्की मस्जिद पार्ट 2 के 8W के रजिस्टर
पेपर लगा करके उन्होंने भी फ़ोन करके बताया, जबकि बताया तो कह रहा है ये मेरे नक्शे में नहीं है। वोट लेने का वक्त में इन्होंने आए तो विधानसभा में आ जाता है ये नक्शे में? जी हाँ, विधानसभा में आ जाता है, मगर काम का जब वक्त होता है ये इनकी आंखों में इनकी माँ बाप की मैयत हो जाती है, मर जाते हैं कम वक्त, बिल्कुल नहीं आते। दिनेश टाक हमारे क्षेत्र का काउंसिलर साहब है, उन्होंने भी स्ट्रेट लाइट तक का नहीं है, या हिंदू और मुसलमान की बात करके इन्होंने कहते हैं हमें वोट नहीं दिया। हाँ, बीजेपी से है पार्षद, अगर कोई नेता बनता है किसी पार्टी से चुन के आता है तो सबका होता है, किसी ने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका। खास करके इन्होंने बताया था ये मुसलमान बेल्ट है, इस वजह से हम यहाँ कुछ नहीं देंगे। अब वाकई में इन्होंने कुछ दिया भी नहीं है, अपने फंड से नेहरू फ्लैग से कहा भगत फ्लैग से लाके स्ट्रेट लाइट लगाया गया है। ये आपस की आवाम की मोहब्बत है जो रोशनी नजर आ रही है, बाकी विधायक और काउंसिलर का बिल्कुल इसमें एक पैसे का काम नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे युवाओं का क्या सोचना है, क्योंकि जब वोट करेंगे युवा तो किन मुद्दों पे करेंगे? आपका वोट है आपका? जी है। क्या इस बार मूड क्या है पब्लिक का, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव करेंगे या वही पुराने? नहीं नहीं, बीएसपी डालेंगे इस बार। बीएसपी डालेंगे जी। क्यों, क्या वजह है? नहीं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं बीएसपी। अच्छा। कुछ काम कराने की जुनून है उनमें, बहुत अच्छे लोग हैं। आम आदमी से तो उम्मीद है ही नहीं बिल्कुल भी। और हाँ, और बाकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनमें तो बस कुछ है ही नहीं मामला, तो यहाँ पे जो भी काम करेगा वो बीएसपी ही करेगी जी। जाहिर सी बात है, उम्मीदें वही होती है जो जनता के बीच जो नेता रहता है तो उससे उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। इस बार बीएसपी को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा आता है, हालांकि ये जो बेल्ट है पूरी ये 90% मुस्लिम बेल्ट है, और जस्ट इससे 500 मीटर की दूसरी तरफ देखें तो मिलीजुली आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी यहाँ पर है और काफ़ी सारी है, क्योंकि जे जे एरिया है डेवलपमेंट के नाम पर ना तो विधायक ने यहाँ पर कुछ काम किया ना ही पार्षद यहाँ पर शक्ल दिखाई। लोग नाम तक कन्फ्यूज़न से लेते हैं कि नाम सही नाम क्या है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस पार्षद का सही नाम यहाँ के लोग ना जानते हों वो पार्षद कितना इनके बीच रहा होगा। सड़कें किस तरीके से हैं वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नालियाँ यहाँ पे बिल्कुल नहीं हैं, गलियाँ वैसी उबड़ खाबड़ हैं, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नाम पे जीरो हैं, कोई एक खंभा नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, नालियाँ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नाला ज़रूर है सबसे बड़ा, और सबका पानी और सारी चीज़ें आती हैं। ये वही जे जे कॉलोनी से नाला निकल कर आता है और इनकी बस्ती के बीच से होकर जाता है जो सफाई को जाता है, डेंगू हो मलेरिया हो अमूमन ये होता है। ये क्या खंभा नहीं है, देखो यहाँ कोई खंभा नहीं है, तो ये बिजली के कनेक्शन कैसे हैं यहाँ पे? ये बहुत दूर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हुए हैं ये। अच्छा, खंभा है लेकिन बीच में है, वहाँ से लेकर आए हुए हैं तार सारे। तो ये खंभे क्यों नहीं लगे यहाँ पे, क्या क्या वजह है? मैं विधायक जी कुछ एक्शन ही नहीं लेते नहीं ना, ना ना बिल्कुल नहीं। तो इस बार नाराजगी साफ आम आदमी बिल्कुल बिल्कुल 100% तो मन बदलाव का इस बार बिल्कुल बिल्कुल बदलाव का बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जब काम नहीं होगा तो मन बदलाव का, क्योंकि 5 साल 4.5 साल कह लें कि नेता के होते हैं, लेकिन 6 महीने जब चुनाव के दौर शुरू होता है तब यहाँ पर जनता की होती है, और इस बार जनता ने यहाँ पे खासकर इस वार्ड में जो इस तरीके की जनता है वो बदलाव का मन बना चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो ये मेन गलियों के हालात तो आप देख रहे हैं, एक बच्ची अभी स्कूल से आई है और वो पानी के अंदर से होकर अपने घर पर जा रही है। हालात ये हैं इतने बुरे कि इस पानी से निकल कर ही बच्चों को, चाहे काम करने वाले हों चाहे छोटे लोग हों, वो सबको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये सड़क है, मेन गली है, और इस मेन गली के हालात क्या हैं वो आप देखिए। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे आप, पानी जो नालियों का है सफाई के नाम पे बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये हालात यहाँ पर किस तरीके से है, पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी सड़कों पर है, घर से निकलने की नौबत नहीं आती है। आप लोग निकल पाते हैं यहाँ से बाहर? कहीं नहीं हो पाता यहाँ पे, तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? दिखाना है लोगों ने कई जगह कंप्लेंट की, उसके बाद नतीजा क्या है वो आप देख लीजिए। ये कंप्लेंट दी गई है, ये आप मोबाइल पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये कंप्लेंट दी गई है। ये कितने दिन पुरानी कंप्लेंट है? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, 5 दिन से ऐसी भरा हुआ पानी? 5 दिन से ऐसी भरा हुआ है, ऐसी भरा हुआ 5 दिन से कंप्लेंट 10 दिन से भरा हुआ है ये तो, और क्या, ये तो 5 दिन कंप्लेंट हुआ है अभी तो, बताओ इतना तो 1-1 महीना से भरा हुआ है सारा पानी। क्या ये बिजी है? अच्छा, ये बिजी है कैंपेन में बिजी है, इसलिए फोन। ये कौन है, किसका नंबर है? ये है आपका एसपी सिंह। एसपी सिंह कौन है यहाँ के? ये एसएसडीएम है यहाँ पे, ये एमसीडी स्टाफ का नंबर है यहाँ पर, और ये दिया गया दिस इश्यूज असाइंड बाय एसएससी डीएमएससी सीएन सेंट्रल जोन एसपी सिंह मोबाइल नंबर। ये हालात देख लीजिए आप क्या है, पानी में किस तरीके से निकल कर बाहर आते हैं। क्या ये कब से है यहाँ पे? 10 दिन से भरा पड़ा है, भरा पड़ा हुआ है, सफाई करने वाला नहीं आया कोई? नहीं, कंप्लेन करने पर कोई सुनता ही नहीं है, कल कंप्लेन किया तो इस बार क्या मूड है फिर, वोट कैसे करेंगे? वोट तो हमारा लोग को किसी को देने का मन नहीं है। बदलाव इस बार बदलाव होगा या वही रहेंगे?
इस बार तो हम लोग किसी को वोट ही नहीं देने जाएंगे। हम लोग की वोट से ही, हम लोग के समर्थन से ही तो ये लोग जीतते हैं। हम लोग का अपना ताकत। तो अगर ऐसा है कि आपने जिसको वोट दिया उसने काम नहीं किया तो बदलाव भी हो सकता है ना, वोट दूसरे को भी जा सकता है किसी। तो देख करके देख लिया, सब आता है, सब बोलता है हम पीने का पानी देंगे, सीवर देंगे, कोई देने को राजी नहीं होता। यहाँ सीवर है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं देते। इस सड़क पे मेन गली है, इसमें सीवर नहीं है, साइडों में नालियां हैं और नालियों का पानी पूरा इसमें है। जो नए नए कॉलोनी है उस कॉलोनी के अंदर सीवर वगैरह हर चीज लग गया। हमारी ये कॉलोनी पास हुआ कितने दिन हो गए, अभी तक ना यहाँ पे सीवर आया ना पानी आया। ढकोसले के नाम पे सिर्फ वहाँ पे खोद के रख दिया है, उसके मिट्टी के चक्कर में सब जाम हो गए, जो साफ करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, जो पानी यहाँ से निकलता था वो मिट्टी खुदाई की वजह से बंद हो गई है, सारा बंद हो गया है। उसके बाद जब कंप्लेन करो ना ये सुन रहे ना वो सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। ये हालात कितने दिन से है? ये ओवरफ्लो जो हुआ है आपका 2 हफ्ते हो गए। इससे पहले नाली में पानी भरता था, इतना नहीं था। ओवर कोई देखने वाला नहीं है। पर मूड क्या है फिर पब्लिक? अरे मूड क्या, कोई दोनों सरकार निकम्मी है। ऊपर केंद्र में मोदी है वो भी नहीं काम करता, नीचे केजरीवाल है वो भी नहीं काम करता है। पार्षद का काम है? पार्षद काम है तो सर, पार्षद का काम है तो वो भी नहीं करता कोई। पार्षद नहीं है अगर नहीं काम कर रहे तो बदलाव भी तो आप ही के हाथ में, वो भी भ्रष्ट आएगा उसके जब सब नहीं। अगर इस बात से आप ये कहें कि जो आएगा वो भी भ्रष्ट होगा तो वोट ही नहीं दे फिर तो आदमी। हर बार कैंडिडेट चेंज हो जाता है लेकिन काम नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो उनको यही है हमें जीत गया 5 साल खा लेंगे फिर दूसरा आएगा वो खाएगा बस, कैंडिडेट चेंज। लोगों में नाराजगी यहाँ पर बहुत ज्यादा है देखने के। यहाँ पे ये पतली पतली गलियां हैं और पूरी तरीके से नाली का पानी गलियों में है और यहाँ इनकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। तो इस तरीके के हालात जी, क्या बताओ तुम कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या? हमें ये मच्छरों में हमारे बच्चों को मारने को छोड़ दिया, हमारी जिंदगी नहीं कुछ? कोठी वाले तो जरा सी बिजली भाग जाए फोन करे सब काम हो जाए कि हमारा वोट ले, हमसे भी ले वोट कोठी वालों से। इस बार क्या मूड है फिर? हमारे ये जो साफ सफाई करे हमारी वो हमारा। उसको ही वोट करेंगे बिल्कुल। तो इस बार बदलाव का प्लान है क्या? किसी को नहीं देंगे हम ऐसे, अगर जो पहले हमारी जो साफ करके जावे जब उसको। पहले पहले पार्षद कौन थे, नाम पता है? हाँ, दिनेश टॉक थे। दिनेश टॉक थे हाँ। तो उनसे आपने बोला नहीं? कितनी जब कितना दफा जाते हैं, रोज जाते हैं, अभी तो आज भी कंप्लेन करके आए, बोलते हैं हमारे हाथ हाथ लिया है। कूड़ा देखो, ये देखो कूड़ा ढेर लगा पड़ा हमारे कूड़े का इतना। हाँ, और उठता नहीं है कूड़ा? 1 महीने में 2 दफा बस। 1 महीने में 2 बार? हालात इतने बद से बदतर हैं कि 1 महीने में 2 बार कूड़ा उठता है और उसके बाद सफाई का आलम यह है कि सड़क पूरी नाले भरे। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सामने टक्कर पे मंदिर भी है, आप मंदिर देखिए। कहते हैं चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सफाई आधा ईमान होता है और साफ सफाई रखना ज़रूरी होता है। ये मंदिर के सामने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को थोड़ा सा ये इस गली की भी शक्ल देखनी चाहिए कि मंदिर के सामने पानी है, कोई अगर पूजा करने भी जाएगा तो कैसे जाएगा? क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, आदमी पाक साफ होकर साफ सुथरा होकर जाता है, लेकिन यहाँ के हालात ये बता रहे हैं कि यहाँ अगर मंदिर जाइए या मस्जिद जाइए आप साफ सुथरे नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं और गलियों का हाल जा, तो ये गलियों का हाल है कुछ अलग ही तरह। अगर देखें तो नारे बहुत अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो मैं आपको कैमरे पर नहीं सुनवा सकता। हर घर मोदी और हर घर स्विमिंग पूल बनवा दिया गया है, ये देख रहे हैं आप। ये घरों में जाने का रास्ता है, अब आप अंदाज़ा लगाइए घरों में आदमी कैसे जाएगा। ईंटें रखी हुई हैं, कोई गिरा चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, यहाँ से निकलना बिल्कुल दूभर है। यहाँ पर किस तरीके से ये हालात, ये कब से ऐसे इसी तरीके से? ये अभी 4-5 दिन हो गया। इसकी कंप्लेंट नहीं की आप लोगों? किया, कोई आया ही नहीं है। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं इलेक्शन के बाद होगा जो भी होगा। इस बार क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के? चुनाव है MCD का, किस आधार पर वोट करेंगे? नहीं कर रहा किसी को देने का। अच्छा। इस बार वोट किसी को देने नहीं, क्या फिर भी बदलाव चाहिए? क्या बदलाव चाहिए ही? अब करेंगे जब कोई बदलाव देगा तभी तो करेंगे। अब पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो भी आएगा कि नहीं आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ जिस तरीके के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। एक इंसानी फैमिली, एक इंसान अपने परिवार के साथ यहाँ पर किस हालात में रह रहा है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हालांकि ये 12 गज 25 गज के मकान हैं यहाँ पर, ये जो स्लम एरिया जो था उसको यहाँ पर लाकर शिफ्ट किया गया था 20 साल पहले,
झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। वादे इस बात को लेकर थे कि यहाँ पर सीवर होगा, पक्की सड़कें होंगी, नालियाँ होंगी, खड़ंजे होंगे, सारी चीज़ें सुविधाएं होंगी, लेकिन सुविधाओं के नाम पे सिर्फ स्विमिंग पूल मिला है, वो भी नालियों के पानी से, बाकायदा वैसा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ के हालात आप लोग देख रहे हैं, अंदाज़ा लग सकता है क्या है। यहाँ पर कितना टाइम से रह रहे हो आप लोग? हो गए हमें 15 साल से ऊपर, 20 साल हो गए। 20 साल के आसपास हो गए। तो ये शुरू से ऐसे हालात है? ऐसे ही है, नाली साफ करने वाले आते हैं, बोलते हैं हम उन्हें, उल्टा गुस्से में घर के सामने कचरा निकाल के छोड़ जाते हैं। अच्छा। वो लेके भी नहीं जाते और गंदगी फैलती है। साल में तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? शिकायत करो तो और ज्यादा चिड़के मारे बाहर निकाल देते कचरे। अच्छा। और परेशान हो जाते। कूड़ा वगैरह उठता है यहाँ पे? नहीं उठाते, कोई नहीं उठाते। तो इस बार क्या मुद्दे क्या आप लोगों के, मतलब किस आधार पे क्या बदलाव है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वोट किस आधार पे करेंगे? इन्हीं इसी आधार में करेंगे हम, साफ सफाई के लिए। आप बताएं, साफ सफाई के लिए करेंगे सर। साफ सफाई होती नहीं यहाँ पे, नाली वाले आते हैं कभी महीने में, दो महीने में आ गए, उल्टा सीधा साफ सुफ करके अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं। और यहाँ गंदगी का बहुत बुरा हाल है, मैं तो सन 2000 से रह रहा हूँ यहाँ पे जब लाइट। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर खास? एक तो ये हो गया पानी नहीं है यहाँ पे, दूसरी थी भी नालियाँ हैं, सीवर का है, मेल प्रॉब्लम है, सफाई वगैरह नहीं होती है, यही सब है। और थोड़ा साफ सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, तो बीमारी से बचे जाएगा। जाहिर सी बात है, साफ सफाई की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कितनी साफ सफाई है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं साफ तौर पर। ये इलाका बेसिकली जे कॉलोनी का है, छोटे छोटे मकान ज़रूर हैं, लोगों ने बनाए हैं अपने मकान, कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से इनको अलॉट किया गया था, लेकिन हालात किस तरीके के हैं वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई वृद्ध महिला है तो आसानी से नहीं निकल सकती। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ से हम बात करें आगे के इलाके का, क्योंकि ये ओखला वार्ड, ओखला विधानसभा लगता है, और यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। लोग नाराज़ इस बात को लेकर हैं अमानतुल्लाह खान से कि यहाँ पर काम के नाम पर जीरो, सफाई के नाम पर जीरो, क्योंकि पार्षद ने काम नहीं किया, पार्षद दूसरी पार्टी से थे। ये आपसी खींचतान में कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है वो पिस रही है। घरों से पानी निकल कर गलियों में है, और गली इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों से लोगों को निकलना दूभर है। दूसरी तरफ अब जब मेन सड़क पर हम आते हैं तो उसके हालात क्या हैं वो ज़रा आप देख लीजिए। ये घरों में ये हालात हैं, और ये बाहर सड़कें हैं। क्या ये घरों के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा? ये नाली का पानी है सारा? ये नाली का पानी घर के अंदर है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आज तो आई थी कूड़े की गाड़ी। आज आई थी? रेगुलर उठता है यहाँ पे, डेली सफाई होती है आपका? वो 4-5 दिन बाद आई, कभी रोज आई, ऐसे आती है। ऐसे आती है? साफ सफाई होती है? साफ सफाई अब यही है, नाली देखो कैसे सामने आपके जो है वो। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या है इस बार चुनाव है एनसीडी का, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? अब तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन नाली का हाल, ये सफाई का हाल अब हमारे सामने देख लो, घर के सामने पार्क कैसे है आप देख ही सकते हो। इस बार क्या मूड है, बदलाव या? हम नहीं, बदलाव हम चाहते हैं, इस बार बदलाव हो। बदलाव? हाँ, क्योंकि सामने दिल्ली में साफ सफाई, कूड़ा काड़ा लगा हुआ है, जंगल लगा हुआ है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, ये सब साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा धूप में बैठे हैं लोग, नाली भी, नाली साफ करने वाले आते नहीं है, नाली एकदम बेकार सी, पूरी पूरी रोड एकदम पानी पानी सा हो रखा है। कूड़े को कोई नहीं उठा रहा ना, उठाने वाला नहीं आता, उधर भी नहीं उठता। इस बार क्या पब्लिक का मूड क्या है? अब पब्लिक का तो पता नहीं, हम तो हमारी कह सकते हैं। क्या मूड है इस बार, बदलाव या फिर वही? बदलाव ही होएगा, क्या कुछ नहीं करा, क्या करा और क्या? अच्छा, बदलाव इस बार? हाँ, 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, कमा नहीं रहे 200 रुपये, तो सिलेंडर कहाँ से भरे? बदलाव का मूड है पूरा, वो होगा बदलाव और क्या। हाँ, होती है साफ सफाई, उधर जा देखो कभी उदम ढेर लग जाता है, तब आके बड़ी गाड़ी आके कभी ले जाती 2 महीने में 4 महीने में। हाँ, कूड़ा हमारे उधर सफाई नहीं होती है? नहीं। इस बार क्या मूड क्या है, बदलाव है या बदलाव करेंगे और क्या करेंगे और क्या? क्या क्या यहाँ पे मुद्दे क्या है, चुनाव है, क्या मुद्दे है लग रहा है? साफ सफाई है, कूड़ा है? साफ सफाई तो हुई ना अभी तक तो, खैर कम से कम 5 साल हो गए देखते हुए, ऐसे ही है गंदगा इस जगह तो। कूड़ा उठते कहाँ, देखो कितनी गंदगी, देखो गैया बैठी है, देखो कितनी गंदगी है, ये तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पड़ा है ये सारा उठाया जाए, नाली देखो बच्चे आते हैं आधे टाइम गिर जाते हैं, जब तक उनको नहला के लाते तब तक स्कूल का टाइम खत्म। हम किसी आधार पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ सफाई नहीं है, क्या फायदा है करने से, किसी को मत दो वोट। तो देख लिया आपने वार्ड नंबर 185 का हाल, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, सफाई के नाम पर कूड़ा गलियों में पड़ा है,
नालियों का पानी सड़कों पर आया हुआ है, रोड पूरी तरीके से पानी में डूबी है, नाले पूरी तरीके से भरे हुए हैं, जनता परेशान है, लेकिन नेताजी बिल्कुल अभी चुनावी मूड में लगे हुए हैं। बोलते ये हैं कि जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद काम होगा, उसके बाद सफाई होगी। हालात किस तरीके से तस्वीरों में आपने देख लिया, तो ये 185 वार्ड में पब्लिक का मूड क्या है वो भी आपने देखा। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। पब्लिक का मूड जानने के लिए हम पहुँचेंगे दूसरे वार्ड में और वहाँ की भी दिखाएंगे हकीकत क्या है, जनता या पब्लिक का मूड। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। बाहर से उठाते, अंदर का कोई नहीं उठाते, क्या बीच में गली में नहीं आते? नहीं, ये भी नाला है, वो भी नाला है, बीच में सड़क आ गया, इस नाली का लेवल ठीक नहीं है। उठता है यहाँ पे सफाई होती नहीं उठता, देखो ना गंदगी पड़ा है। पार्षद से कभी कहा नहीं आपको? बहुत कहता है। कूड़े को कोई नहीं उठा रहा, एकदम ढेर लग जाता है, तब आके बड़ी गाड़ी आके कभी ले जाती, दो महीने में चार महीना में।